मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का फिफ्थ सिक्स क्लास का जो टॉपिक था द सेंटेंसेस, उसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जो टॉपिक था उसके बारे में रिमाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। नेक्स्ट प्रीवियस पीरियड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, तो यहाँ पे जो द सेंटेंसेस हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने ये जाना था कि इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर द सेंटेंस, यानी कि महत्वपूर्ण बातें क्या थी सेंटेंस के अंदर होनी चाहिए, ये हमने जाना था। और उसके बाद हमने सेंटेंस की डेफिनेशन, तो जैसे कि ये देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर सेंटेंस, तो चार इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपकी। अगर एक सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें ये चारों इम्पोर्टेंट टर्म्स उसमें होने चाहिए। जैसे कि आपका सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, फिर आपके सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, फिर सेंटेंस जो है उसके अंदर वर्ब होनी चाहिए और उसके एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे जिसमें कुछ वर्ड्स प्रॉपर वे में नहीं थे और कुछ वर्ड्स को प्रॉपर वे में करके सेंटेंस बनाया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि जो वर्ड्स के ग्रुप हैं अगर वो प्रॉपर वे में नहीं होंगे तो उनका कोई सेंस नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता। लेकिन उनको अगर हम सही ऑर्डर में रखते हैं तो उनका मीनिंग निकलने लग जाता है और फिर वो सेंटेंस बन जाता है। फिर यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वो हमने पढ़ा था व्हाट इज सब्जेक्ट में, कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है और फिर सेंटेंस क्या होते हैं, सॉरी सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है और फिर उसमें सब्जेक्ट क्या होता है और बाकी के बचे हुए भाग को क्या कहते हैं। ऐसे व्हाट इज प्रेडिकेट में हमने प्रेडिकेट की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने ये सीखा कि आखिरकार प्रेडिकेट होता क्या है। अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे टॉपिक आ जाता है कि कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट के। ये आपको होमवर्क में भी करना है और इसको मैं समझा भी रहा हूँ। तो जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के एग्जांपल हम देखें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मयंक, ये आपका सब्जेक्ट है, इज ईटिंग शुगर इन द किचन, ये आपका प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो इज ईटिंग शुगर इन द किचन, तो ये जो वर्ड बनेगा इसमें साफ दिख रहा है कि मयंक जो है वो काम करने वाला है, और जो भी वर्ड काम करता हुआ नजर आएगा एक सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी के बचे हुए वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। तो इज ईटिंग शुगर इन द किचन, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। फिर पुसी कैट फ्राइटेंड द लिटिल माउस, तो पुसी कैट एक बिल्ली का नाम है पुसी, और वो क्या करती है, छोटे चूहों को डराती है, उसने छोटे चूहों को डराया तो उसने डराने का काम किया, तो यहाँ फ्राइटेंड द लिटिल माउस ये प्रेडिकेट हो गया और पुसी कैट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर इसमें आगे पढ़ते हैं द लायन सब्जेक्ट है, जैक एंड जिल सब्जेक्ट है, द माउस सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट में इज द किंग ऑफ एनिमल्स, वेंट अप द हिल, रैन अप द क्लॉक, ये सभी के सभी क्या हैं, प्रेडिकेट हैं। तो कहने का मतलब इसे साफ और स्पष्ट समझ में आ रहा है इसको पढ़ने के बाद में कि किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि कोई वर्ड यह निर्देशित करता है कि वह काम कर रहा है तो वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो बचे हुए वर्ड वो ये दिखाते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या किया तो वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ भी है सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली, अब आगे एक चीज और चीज पढ़नी है हमें कि वो क्या है, कि वो ये पढ़नी है कि कोई भी सब्जेक्ट, अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो पहले आ रहा है और प्रेडिकेट बाद में आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले ही है, बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखने पे तो ये पता चलता है कि सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट, कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में सबसे पहले आता है, ठीक है, बट समटाइम्स द सब्जेक्ट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, कई बार ये लास्ट में भी रखा जाता है, प्रेडिकेट के बाद में भी रखा जाता है। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल्स ऑफ प्रेडिकेट, देयर गोज, ये क्या है आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, और द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, काम करने वाला प्रिंसिपल है,
तो इसलिए सब्जेक्ट बना, और काम क्या करता है, जाने का काम करता है, देयर वॉज, तो ये आपका प्रेडिकेट बना। तो इसका मीनिंग निकला कि हमारे स्कूल का प्रिंसिपल जाता है, ठीक है, तो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल जाता है तो जाने का काम करता है, तो देयर वॉज तो आपका प्रेडिकेट हो गया और द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर व्हाट ए नाइस प्लेस सिंगापुर इज, तो यहाँ पे सिंगापुर सुंदर है ना, तो ये कह रहा है कि क्या जबरदस्त स्थान है सिंगापुर, तो ये बोलना चाह रहा है। तो सिंगापुर आपका सब्जेक्ट हुआ और उसके बाद व्हाट इज व्हाट ए नाइस प्लेस ये आपका प्रेडिकेट हुआ। तो इस तरीके से हमें इसको याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और कई बार सब्जेक्ट बाद में आता है, प्रेडिकेट पहले आ जाता है। अब यहाँ पे इन द लिटिल हाउस लिव सेवन डॉट्स डाउन केम द रेन इन साइड द बॉक्स वर हंड्रेड्स ऑफ टिनी बॉल्स, तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, सब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रेडिकेट क्या है इसमें, सब कुछ बताया गया आपको। तो इन दोनों एक्सरसाइज को आपको होमवर्क में करना है, यानी कि आपको एक तो करना है कि आपको एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और फिर उसके बाद में ये एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट लिख देंगे और प्रेडिकेट लिख देंगे, तो पूरी टेबल आपको बनानी है। फिर इसके नीचे नोट लिखना है, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट बट समटाइम्स द सब्जेक्ट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ प्रेडिकेट फिर से करेंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट बाद में आ रहा है और प्रेडिकेट पहले आ रहा है, जो कि इसमें फाइव सेंटेंसेस के अंदर दिख रहा है, तो ये टेबल बनानी है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस आर ऑफ फाइव काइंड्स अकॉर्डिंग टू दियर मीनिंग एंड पर्पस, तो सेंटेंसेस जो होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं उनके अर्थ और उद्देश्य के आधार पर। तो इन पांचों सेंटेंस के नाम लिखने हैं आपको होमवर्क में, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और फिर लिखेंगे सेंटेंसेस आर ऑफ फाइव काइंड्स अकॉर्डिंग टू दियर मीनिंग एंड पर्पसेस। नंबर वन होगा असर्टिव सेंटेंस, इनके बारे में डिटेल हम बाद में करेंगे लेकिन अभी नाम ही लिखेंगे इनके। एक तो होता है असर्टिव सेंटेंस, ये नाम लिख देंगे। फिर हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये नाम लिख देंगे। फिर थर्ड हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, ये नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे तो सेंटेंस का नाम आ जाएगा एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये नाम लिख देंगे। और फिर उसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस, तो ये पांचों नाम लिख देंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। तो यहाँ तक आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक आप काम कर लोगे। तो अभी इस क्लास में तो हम यहाँ तक स्टडी करेंगे, बाकी जो भी स्टडी करनी होगी हम वो नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तो अभी मैं वीडियो को एंड करता हूँ, बाय।